तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल बाय बाय पर। तो हम क्या पढ़ने वाले थे, हमने मतलब पढ़ क्या लिया अब तक, हम बात करते। तो हमने क्या पढ़ा, ओलिगोसेकेराइड पढ़ लिया था। लास्ट टॉपिक हमारा ओलिगोसेकेराइड था, जिसमें हमने क्या पढ़ा, डाइसेकेराइड के बारे में। हमने डाइसेकेराइड के बारे में पढ़ा था कि डाइसेकेराइड जो होते हैं वो तीन टाइप के, एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है तो बाकी और होते होंगे, लेकिन हमें अभी तीन ही पता है। कौन सा सबसे पहले पता, पहला सुक्रोज, दूसरा माल्टोज, फिर बाद में फ्रेक्टोज। तो सुक्रोज क्या हो रहा था, जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो क्या हमें एक ग्लूकोज मिल रहा था मोनोसेक्राइड, और दूसरा मोनोसेक्राइड कौन सा था, फ्रेक्टोज। तो एक ग्लूकोज और फ्रेक्टोज मिल रहा था, फिर बाद में हम क्या कर रहे थे, माल्टोज। अगर जो मैं बात करूँ माल्टोज, जब माल्टोज को हम हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो हमें ग्लूकोज मिल रहा था। क्या मिल रहा था, ग्लूकोज, यानी कि दो हमें मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के मिल रहे थे, जिसे हम कह सकते हैं मोनोसेक्राइड। फिर बाद में हमने जब लैक्टोज को तोड़ा तो हमें एक ग्लूकोज और दूसरा क्या मिला था, फ्रैक्टोज मिला था। ठीक, तो आज हम थोड़ा सा जानने वाले हैं, मेरे को कुछ नहीं जानने, खास चीज़ नहीं है अगर जो देखा जाए, दिमाग लगाओगे तो। लेकिन एनसीईआरटी ने दोबारा हर एक फ्रैक्टोज और सुक्रोज और ग्लूकोज इन दोनों के बारे में, नहीं फ्रैक्टोज सुक्रोज नहीं, मतलब कहने का मतलब सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा बताया। तो वो हम बातें जान लेते हैं कि क्या क्या बताया है। ठीक, तो क्या क्या बताया उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलो वो बातें हम जल्दी से सीख लेते हैं, वो ज़्यादा नहीं है, कोई हार्ड वाली बातें नहीं। हाँ, एक उसमें पॉइंट रटने वाला है, बाकी तो समझाने वाले हैं, वो मैं समझा दूंगा। सबसे पहले बात है, अपना टॉपिक आता है, कहते हैं जिसका नाम है शुगर। शुगर अगर जो सबसे पहला देखा जाए तो हमने पढ़ा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में हम डाइसेकेराइड पढ़ रहे थे। डाइसेकेराइड का सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया था सुक्रोज। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, नंबर ए पर क्या है हमारा, सुक्रोज। अगर जो मैं सुक्रोज की बात करूं, अगर जो मैं सुक्रोज किसकी बात कर रहा हूं, सुक्रोज की, तो सुक्रोज किससे ऑब्टेंड होता है, सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबल शुगर भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेबल शुगर। और इसके अगर जो फॉर्मूले की बात की जाए तो क्या है फॉर्मूला, हमने क्या बात किया था कि दो ग्लूकोज मिलने हैं तो दो ग्लूकोज का सूत्र जो होगा वही इसका फॉर्मूला होगा। दो ग्लूकोज नहीं, मतलब एक ग्लूकोज एक फ्रेक्टोज, लेकिन सूत्र तो दोनों के सेम है ना, तो C12H22O11। तो ये हमारा सुक्रोज का है। अब सुक्रोज अगर जो देखा जाए तो सुक्रोज को हम कैन शुगर कहते हैं। कैन शुगर क्यों कहते हैं, कैन शुगर का कारण है, कैन शुगर का मतलब होता है चीनी। सुक्रोज को हम चीनी भी कहते हैं, कारण ये है क्योंकि ये ज़्यादातर शुगर कैन से ऑब्टेंड होता है। शुगर कैन का मतलब है कि गन्ने से, गन्ना से सबसे ज़्यादा हमें चीनी कहाँ से मिलती, गन्ने से। दिस इज द ऑब्टेंड फ्रॉम, मोस्टली ऑब्टेंड फ्रॉम शुगर कैन। शुगर कैन से ज़्यादातर ऑब्टेंड की जाती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, कैन शुगर कहते हैं, कि गन्ना जो होता है गन्ने से ज़्यादा चीनी ऑब्टेंड की जाती है। ठीक, सुक्रोज क्या है, मीठा होता है ना, तो इस सबसे पहले मैम हम लिख सकते हैं कॉमनली नोन एज कैन शुगर। क्या हम बोल सकते हैं इसे, कॉमनली नोन एज कैन शुगर, कॉमनली नोन एज कैन शुगर। तो ये बात हम लिख लेते हैं। अरे बहुत बढ़िया चल रहा है आज, कॉमनली नोन एज कैन शुगर, कोई खास बात नहीं, कॉमनली नोन एज कैन शुगर। हम कॉमनली से क्या कहते हैं, कैन शुगर कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज मोस्टली ऑब्टेंड फ्रॉम, मोस्टली का मतलब सबसे ज्यादा, मोस्टली ऑब्टेंड फ्रॉम शुगर कैन, क्योंकि ज्यादातर जो होती है शुगर कैन से ऑब्टेंड की जाती है। शुगर कैन का मतलब होता है गन्ना, इसका मतलब क्या है, गन प्लस ना, ये अपना हो गया गन्ना। गन्ना कोई चीज लिखना ना आया है अतः, तो उसे हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं गन्ना। और इसका मतलब क्या होता है, चीनी। बहुत बढ़िया, कह दो इस हिंदी लिख रहे हो भाई, मेरी हिंदी ऐसी है, गन प्लस ना गन्ना। चलो लिख देता हूँ, अच्छी भी है यार, ऐसी थोड़ी ना राइटिंग मेरी इतनी खराब है, सच में खराब है क्या, गन्ना चिनिया, इसे हम क्या बोलते हैं, चिनिया, चिनिया आएगी। तो ये अपनी चीन है, तो ये हमने बात एक जान ली। और पहली बात, एनसीईआरटी ने एक और इसके बारे में लिखा है कि दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक, ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो शुगर कैन, जो सुक्रोज है, दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगर जो मैं इसके फॉर्मेशन की बात करूं,
अगर जो इसकी मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो सुक्रोज सुक्रोज कंपोज्ड बाई, अच्छा सुक्रोज किससे कंपोज्ड होता है? मैंने क्या कहा, सुक्रोज कब बनेगा? सुक्रोज का फॉर्मेशन तभी तो होगा जब ग्लूकोज और क्या फ्रैक्टोज मिलेंगे। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से ही तो अपना सुक्रोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज, उसका नाम दिया गया है अल्फा ग्लूकोज बाई अल्फा ग्लूकोज, यानी कि सुक्रोज कंपोज्ड बाई किसके द्वारा बनता है? कंपोज्ड बाई, यानी कि कंपोज्ड बाई या फिर कंपोज्ड बाई मत लिखो, के द्वारा नहीं, कंपोज्ड ऑफ किससे बना होता है? कंपोज्ड ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रैक्टोज। अल्फा ग्लूकोज और बीटा जो फ्रैक्टोज होता है उससे हमारा सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। चाहे तुम देख लो ऐसे, अगर जो एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो देखो मैंने क्या बता, वही फिर से मैं बताऊंगा कि भाई अपना यहाँ पर C6H12O6 था, ये अपना ग्लूकोज ले लिया, प्लस अपना क्या ले लेते हैं फ्रैक्टोज C6H12O6। ठीक, अब ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। अब जब जुड़ेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा बताओ? दोनों जुड़ करके क्या बनाएंगे, C6C12H24O12 ये बनाएंगे। अब इसमें से क्या होगा, माइनस वाटर, जैसे वाटर को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाटर को जो माइनस कर देंगे तो C12H22O11 मिलेंगे, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, सुक्रोज मिल जाएगा। तो ऐसा को सुक्रोज मिलता है। तो इसमें सबसे पहली बात मैं फिर से बात बता देता हूँ कि इसमें ज़्यादातर आपको मोस्ट कॉमन कौन सी बात याद रखना है कि दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक ऐसी शुगर है ये सुक्रोज, एक ऐसी शुगर है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। बाकी जितनी भी शुगर है कार्बोहाइड्रेट की सारी सारी रिड्यूसिंग शुगर होती है। सारी क्या होती है, रिड्यूसिंग शुगर, केवल यही एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक, बाकी कोई खास बात तो है ही नहीं इसमें, बस ये याद रखना। बस देखो ये फॉर कंपोज्ड ऑफ क्या भाई, ये याद करने की जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा, ग्लूकोज को तोड़ोगे, जो तोड़ोगे वह जिससे बना होगा वही तो मिलेगा। सिंपल सी बात, तोड़ दो सुक्रोज को, सुक्रोज को तोड़ दो, जो मिला उसी से बना है सुक्रोज, समझ गए? तो ये कुछ नहीं याद करना इसमें, सब कॉमन सी बात कुछ नहीं, बस इतना मेन फोकस किस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये क्वेश्चन में बहुत मिलेगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये याद कर लो बस, बाकी कुछ ना याद करो, अपना काम चल जाएगा। अब बात करते हैं माल्टोज की, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाने वाला आज। ठीक, अब बात कर लेते हैं माल्टोज के बारे में। बी अपना कौन सा था, माल्टोज, इसे हम क्या बोलते हैं, माल्ट माल्ट शुगर। ठीक, इसे हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं। और दिस इज द माल्टोज, अगर उसके मैं कंपोज्ड ऑफ की बात करूं तो दिस इज द कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड लिखना है, कंपोज्ड ऑफ टू दो, अच्छा माल्टोज मैंने क्या कहा, माल्टोज को तोड़े दो ग्लूकोज हमें मिल रहे थे तो ग्लूकोज से बना, कौन से दो ग्लूकोज से बने, बस इतना ध्यान रखना, अल्फा डी ग्लूकोज से। ठीक, कंपोज्ड ऑफ टू, दो मिनट देख ले कैमरा तो नहीं गया, अल्फा कंपोज्ड ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज, कंपोज्ड ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज, इन दोनों से इनका फॉर्मेशन हुआ, कंपोज्ड ऑफ अल्फा कंपोज्ड ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक, इनसे इनका कंपोज्ड यानी कि ये बने हुए हैं। अब दूसरी बात इनके बारे में कि मैंने क्या कहा, सुक्रोज एक ऐसा शुगर है जो नॉन रिड्यूसिंग, तो ये कैसा होगा, दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, जो अपने आप को रिड्यूस कर दे, रिड्यूसिंग शुगर। तो अपना जो माल्टोज था, माल्टोज के बारे में मैंने क्या बताया, जो बातें याद रखनी थी वो माल्टोज के बारे में याद रखनी थी। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में, लैक्टोज के बारे में। अगर जो मैं लैक्टोज की अगर जो मैं बात करना चाहूँ तो लैक्टोज के बारे में क्या मैं बात करूँगा, वही बात करूँगा इसके बारे में भी, सी अपना क्या है, लैक्टोज। ठीक, लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर, मिल्क शुगर, लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। अच्छा लैक्टोज किससे बना था, एक गलेक्टोज और एक ग्लूकोज था, तो एक गलेक्टोज और एक ग्लूकोज था, दिस इज द कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ बीटा
डी ग्लूकोज, वही बात मैं लिख रहा हूं, बस यहां पे बीटा डी लगा रहा हूं, एंड बीटा डी ग्लैक्टोज, कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लैक्टोज, इनसे बना होता है। मैंने क्या कहा, सारी सुगर जो होती हैं रिड्यूसिंग सुगर होती हैं केवल सुक्रोज को छोड़ करके, सारी सुगर रिड्यूसिंग सुगर होंगी केवल सुक्रोज को छोड़ करके। सुक्रोज एक ऐसी सुगर है जो क्या है, दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग सुगर है, यानी कि आल मोनोसेक्राइड, क्या हम बोल सकते हैं कि आल मोनोसेक्राइड, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं एंड डायसेक्राइड आर, मैंने क्या कहा, आल मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड में कौन सा मैंने लिया, डायसेक्राइड, ना कि सारे, आल मोनोसेक्राइड जितने भी मोनोसेक्राइड हैं और जितने भी डायसेक्राइड हैं वो सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग सुगर होते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसको, एक्सेप्ट का मतलब है कि सिवाय सुक्रोज के, सिवाय सुक्रोज। तो मैं ये अच्छे से बढ़िया से लाइन लिख देता हूं कि आल मोनो सैकेराइड्स एंड, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं एंड एंड एंड, और क्या मैं लिखने वाला हूं, डायसेक्राइड एंड डाया, डाया था ना, डाई नहीं था, डाया, डाया सेक्राइड्स, हाल मोनोसेक्राइड, समझो हाल मोनोसेक्राइड, मैंने क्या लिखा, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, मोनोसेक्राइड मैंने सारे लिख लिए, लेकिन ओलिगोसेक्राइड में मैंने केवल डायसेक्राइड लिया, एंड डायसेक्राइड आर, ये क्या मैंने लिखा है, आर, आर, आर क्या है, रिड्यूसिंग सुगर है आर, इसको थोड़ा मैं चमका देता हूं, आर रिड्यूसिंग सुगर, जितने भी हैं आर रिड्यूसिंग सुगर, एक्सेप्ट सिवाय किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट मैंने क्या कह दिया, एक्सेप्ट सिवाय सुक्रोज, सुक्रोज सुगर, केवल सुक्रोज सुगर को छोड़ करके सारे क्या है, रिड्यूसिंग सुगर हैं। सुक्रोज एक ऐसा है जो नॉन रिड्यूसिंग, यानी कि हमें क्या याद कर लेना चाहिए, हमें याद ये कर लेना चाहिए कि सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग, बाकी जितनी सुगर आएंगी सारी अपन क्या कह देंगे, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग, यानी कि याद क्या करना, नॉन रिड्यूसिंग, क्यों, क्योंकि वो एक है, एक याद करना आसान की सारी, बहुत सारी याद करना आसान, तो एक आसान करना, एक हम आसानी से याद कर सकते, इसलिए हम याद रखेंगे कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग सुगर है। तो अब क्या हमारे पास, देखो हमने क्या करा, कार्बोहाइड्रेट में हमने मोनोसेक्राइड पढ़ लिया, ओलिगोसेक्राइड पढ़ लिया, अपना ओलिगोसेक्राइड आज कंप्लीट हो गया। अब हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलीसेक्राइड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।